नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। और आज तारीख है 7 सितंबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है आईटी एक्ट की धारा 66A व क्यों रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने इसे व इसके पीछे क्या दिए तर्क। फिर हम देखेंगे कि क्यों आर्थिक आरक्षण की वैधता को लेकर दी गई चुनौती और देखेंगे इसके पीछे क्या तर्क दिए गए। फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत बांग्लादेश के संबंधों पर और चर्चा करेंगे कि किन विषय को लेकर हुई बातचीत और कौन से समझौते किए गए हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या है भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया समर्थन। फिर हम सतलुज यमुना लिंक जो नदी नहर विवाद है उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सरकार की क्या है महंगाई को लेकर नीति और किस तरह से सरकार महंगाई को नियंत्रण कर रही है। फिर हम देखेंगे कि सिंगल विंडो क्या है वह ये किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन ओशन मरीन एसोसिएशन क्या है। फिर हम एनालिसिस करेंगे किसका रिजर्वेशन इन इंडिया में। फिर इंडियन ओशन मरीन एसोसिएशन को देखेंगे कौन से देश उसके सदस्य हैं। फिर हम बांग्लादेश के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर मंगोलिया के मैप का भी एनालिसिस करेंगे। फिर हम एक बार टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों आते हैं भूकंप और किस तरह से जो संचलन होता है और कौन कौन सी प्लेट्स हैं। फिर हम नेपाल के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सतलुज यमुना लिंक कैनाल। फिर हम एक बार जो व्यापार एग्रीमेंट है उनको देखेंगे किस तरह से उनका एक चरण होता है। फिर आखिरी में हम गूगल मैप को भी देखेंगे। तो इस तरह हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो आईटी एक्ट की रद्द धारा 66A के तहत दर्ज मुकदमे वापस ले। तो रद्द की जा चुकी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत अभी भी एफआईआर दर्ज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है और मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इस धारा के तहत मामले दर्ज करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे 3 हफ्तों के भीतर सभी मामले वापस लें। तो वर्ष जो ये आईटी एक्ट की धारा क्या है उसे देख लेते। वर्ष 2015 में ये रद्द की जा चुकी है। आईटी एक्ट की इस धारा के तहत इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। अब देख लेते हैं जो किस आधार पर अदालत ने रद्द की थी धारा। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक करार देते हुए शीर्ष अदालत ने 2015 को धारा 66A को रद्द किया था और अदालत ने कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 66A लोगों के जानने के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अदालत में गैर सरकारी संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज समेत विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो इस तरह से हमको देखना है कि ये धारा क्या थी और किस तरह से ये जो हमें मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन कर रही थी। अब हम देखते हैं अगली खबर। तो आर्थिक आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा विचार के कानूनी प्रश्न। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ गुरुवार को विचार के कानूनी प्रश्न तय करेगी। तो इसमें कहने के जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। इसके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक होने और आरक्षण को 50% सीमा का उल्लंघन करने का आधार बनाया गया। इसी के आधार पर कहने की याचिका दायर की गई है कि कहने के जो संविधान में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं था वह सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर था। तो कहने के और दूसरा है कि जो आरक्षण की सीमा 50% को पार गई है उसको भी कहने के एक तरह से आधार बनाया गया है जो अपने याचिकाकर्ता ने। अब देख लेते हैं हम इसके एनालिसिस का एक बार। तो ये एन एनालिसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। तो कहने का जो भारत में जो रिजर्वेशन है तो
तो कहीं ना कहीं जो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कहीं ना कहीं जो 10% है, और जो मेरिट के आधार पर बनता है वो 40.5% है। तो इसको कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती दी गई है कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से पार चली गई है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या देता है इसको लेकर निर्णय। देश को मिली नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन। तो कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में देश की एक और महत्वपूर्ण हथियार मिला है। भारत के दवा महानियंत्रक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन इन कोवैक्सी को मंजूरी दे दी है। आपात इस्तेमाल को मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन है। बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को एक विशिष्ट स्प्रे के जरिए दिया जाता है। तो इस तरह से हमको इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखना है कि हाल ही में कौन सी जो कोरोना रोधी वैक्सीन बनाई गई है और किसने बनाई गई है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत बांग्लादेश के संबंधों में। तो भारत बांग्लादेश में होगा समग्र आर्थिक समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच इस साल समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सिपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर तब होंगे जब बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी से हटाकर विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी और जो पीएम हसीना है कहीं ना कहीं जो द्विपक्षीय बैठक में कहीं ना कहीं चीन की बढ़ती गतिविधियों और इससे परस्पर हितों पर पड़ने वाले प्रभाव, बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, ऊर्जा व कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं सड़क, रेल, जल मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी, और दोनों देश कहीं ना कहीं आतंकवाद और कट्टरवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाएंगे। अब हम इसे आगे देखेंगे कि और दोनों देशों के बीच भी हाल ही में कौन से 7 समझौते किए गए हैं। अब हम एक बार जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो ट्रेड के वो देख लेते हैं कि किस चरण से होते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत होता है प्रिफरेंशियली ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कहीं ना कहीं जो देश होते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो वरीयता प्रदान करती है और इसमें जो शुल्क है वो कम नहीं किया जाता है। फिर दूसरा चरण आता है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें दोनों देश एक दूसरे देशों को प्रिफरेंस तो देते हैं यानी वरीयता के साथ कहीं ना कहीं जो सीमा शुल्क उसमें भी कटौती करने लग जाते हैं। फिर जो सीईसीए इसके जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है और साथ में कहीं ना कहीं जो निवेश है और वो भी इंक्लूड होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड कर ली जाती है। और जो एफटीए होता है उसमें केवल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, और जो सीईसीए इसके अंदर कहीं ना कहीं वरीयता के साथ साथ सीमा शुल्क में कमी करना, दूसरा है वस्तु सेवा में कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ाना, फिर आखिरी में होता है सीईपीए यानी सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी उसमें सीईसीए की सारी कंडीशन होती है। बस अब उसमें क्या होता है कि निवेश कौन करता है, जैसे जापान, जापान के साथ हमने जो सिपा एग्रीमेंट कर रखा है उसके तहत वो बुलेट ट्रेन में वो निवेश भी वही करता है, टेक्नोलॉजी भी वही लाता है और उसके जो इक्विपमेंट्स है वो सारा काम कहीं ना कहीं जापान लगाता है। और हमने जापान के साथ एक तरह से एग्रीमेंट कर रखा है कि हम दोनों मिलकर इसमें जो भागीदारी करेंगे और जो नुकसान और फायदा होगा वो दोनों का मिलकर होगा। तो कहीं ना कहीं तो इस तरह से ये चरण होते हैं, पहले पीटीए यानी प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक मार्केट। तो इस तरह से ये चरण चलता है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब देख लेते हैं हम कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुए समझौते। तो कहीं ना कहीं जो कुशियारा नदी के जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। दूसरा, बांग्लादेश रेलवे के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण देने के लिए। तीसरा, भारत बांग्लादेश रेलवे के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए कहने का योगदान करेगा। बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए,
प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच भी समझौता हुआ है, और भारत कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के अंदरूनी रेलवे और सड़क मार्ग बनाने में भी मदद कर रहा है बंगाल से कहीं ना कहीं। तो भारत का क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य कि बंगाल से बांग्लादेश होते हुए कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचा जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने के लिए भारत चीन भारत यानी जो सीमा के पास जो चिकन नेक से गुजरना है, तो कहीं ना कहीं उसका विकल्प भी तलाशा जा सके। और दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं मैत्री पावर परियोजना पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से समझौता हुआ है। ताप बिजली संयंत्र के लिए भारत ने बांग्लादेश को मदद की है। खुलना और मोगना पोर्ट को भी देखेंगे, खुलना दर्शन लिंक परियोजना। तो अभी हम बांग्लादेश के मैप का एनालिसिस करते हैं एक बार। तो यह है बांग्लादेश का मैप। तो अब देख लेते हैं कि किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पहले तो इधर हमारे पश्चिम बंगाल, इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कुल मिलाकर 5 राज्यों से सीमा लगती है। दूसरा है कि इसकी सीमा कितनी किलोमीटर, तो 4092 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक जो हमारे पड़ोसी देशों सीमा लगती है उसमें बांग्लादेश शामिल है। दूसरा है कि कौन सी नदी, जो मेजर नदी कौन सी है, तो कहीं ना कहीं इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, तो दोनों कहाँ जाकर मिलती है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में मिलती है। जो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, और इधर गंगा का नाम कहीं ना कहीं जो पद्मा हो जाता है, फिर पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और यही कहीं ना कहीं सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है। ये चटगांव हो गया। और जो कुशियारी नदी की बात करें हम, तो ये रही कहीं ना कहीं कुशियारी नदी, और ये मेघना नदी हो गई यहाँ, और एक तरह से ये सुरमा नदी जो कहीं ना कहीं भारत से इंटर कर रही है। तो इसके जल विवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं जो जल विवाद था उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से सुलझाया गया है। और ऊपर से कहीं ना कहीं जो तीस्ता नदी है वो ऊपर से आ रही है, यानी कहीं से सिक्किम से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में इंटर कर रही है। अब हम दूसरे मैप का एनालिसिस करते हैं। तो इस मैप में हमें पता चल रहा है कि जो बांग्लादेश का क्षेत्र है वो जो मैदानी क्षेत्र के अंदर अवस्थित आ गया। क्यों? क्योंकि किन नदियां मैदान बना रही, तो एक तो जमुना हो गई और एक तरह से कहीं ना कहीं पद्मा, और दोनों जहां मिलने के बाद कहीं ना कहीं मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं और सुंदर मतलब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती। तो इसका जो पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं जो मैदानी वाला इलाका आ गया, और ये कहीं ना कहीं जो मेघालय जहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये असम वाला क्षेत्र गुवाहाटी, यानी पूरी तरह से मैदान दिखाया जा रहा है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये ऊपर हिमालय अवस्थित आ गया। इधर कहीं ना कहीं मिजो पहाड़ियां, नागे पहाड़ियां, जो पहाड़ी क्षेत्र यानी हिमालय का एक तरह से विस्तारित रूप मान सकते हैं। और इधर कहीं ना कहीं इसकी सीमा म्यांमार से भी लग रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहीं ना कहीं इसी के बीच से होकर गुजर रही है। ये ढाका इसकी राजधानी हो गई। और जिस खोलना पोर्ट की बात करें, हम खोलना पोर्ट की, वो यहाँ पर अवस्थित है। ये मोंगला पोर्ट, ये कॉक्स बाजार, ये चटगांव, कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू होते हुए जो पूर्वोत्तर के राज्यों तक कहीं ना कहीं पहुंच बनाई जा रही है। जो चिकन नेगे जो कहीं ना कहीं इधर से नेपाल, इधर से भारत आ गया, इधर से कहीं ना कहीं भूटान, चीन, तो कहीं ना कहीं चिकन नेगे इसका कहीं ना कहीं एक तरह से विकल्प तलाशा जा रहा है कि किस तरह से इस रास्ते पर निर्भर न रहते हुए अन्य रास्ते या विकल्प ढूंढ जाए। तो कहीं ना कहीं समुद्र के थ्रू भी चटगांव से होते हुए कहीं पूर्वोत्तर तक पहुंचने का रास्ता खोजा जा रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं कलकत्ता, खुलना, मोंगला पोर्ट से होते हुए कहीं ना कहीं त्रिपुरा, और कहीं ना कहीं खुलना से ढाका, ढाका से होते हुए कहीं त्रिपुरा तक, और त्रिपुरा से होते हुए अन्य जो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, ताकि किस तरह से चिकन नेक पर निर्भर न होते हुए अन्य विकल्प भी तलाशे जा सके। और कहीं ना कहीं यहीं से जो कुशियारा नदी है ऊपर से तीस्ता नदी आ रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल का ऑस्ट्रेलिया प्रबल समर्थक, जयशंकर। तो कई जो विदेश मंत्री ने कहा, मजबूत नेतृत्व दोनों देशों को आपसी हित के लिए करीब ले आया है। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग 2022 के ऑनलाइन संबोधन में कहा कि जयशंकर जी ने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का त्वरित और मजबूती से समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों के प्रारूप में बदलाव आया है और ये रिश्ते उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। अप्रैल 2022 में हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से 20 अरब डॉलर के कारोबार और 25 अरब डॉलर के निवेश के स्तर में तेजी से विस्तार होगा, ऐसा जयशंकर जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं शिक्षा का एक तरह से अहम केंद्र है, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अनुमानित संख्या 7.2 लाख है।
और कहीं ना कहीं जो दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चिंतित है, और दोनों मिलकर इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने कहा, किसने, जयशंकर जी ने, कि वैश्विक सामान की कमी की समस्या का समाधान भी भारत और ऑस्ट्रेलिया तो द्विपक्षीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मिलकर काम करने की कहीं ना कहीं मांग करता है। दोनों देशों के आसियान नीति मंच, राष्ट्रमंडल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि में भी कहीं ना कहीं लंबे संवाद हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि जो इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन क्या है, क्वाड सहयोग के साथ वार्ता का दौर शुरू। तो कहीं ना कहीं वैश्विक कूटनीति अभी पूरी तरह से बटे दोनों देशों दूरियों के साथ भारत लगातार तालमेल बनाने की कोशिश में है, यानी रूस और अमेरिका के साथ। यानी कि भारत अभी जो सबसे पहले क्वाड संगठन के सभी देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व कहीं ना कहीं भारत, ये चारों मिलकर कहीं ना कहीं क्वाड का निर्माण करते हैं। तो अभी इन देशों के जो क्वाड प्रतिनिधियों के साथ भारत अभी अपनी जो वार्ता है वो आयोजित करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई जो अभी क्वाड की बैठक हुई, जिसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने को लेकर बात हुई है। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में कोर्ट के जो मंत्रियों के बीच में क्या बैठक होती है और क्या निर्णय निकलता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो ये हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी संघ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यह संघ क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीप व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के तीन प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मॉरिशस में है। इसके आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। इसका प्रकार कौन सा है, तो अंतर सरकारी संगठन। इसके सदस्य 21। नेताओं में महासचिव कौन है, तो केवी भागीरथ। अध्यक्ष इंडोनेशिया। स्थापना कब की थी, तो 1997 में। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर संधि। अब हम देख लेते हैं इसके जो चार्टर्स में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो 1997 में इसके जो चार्टर है उसको स्वीकार किया गया था, जिनमें कहीं ना कहीं जो हिंद महासागर क्षेत्र में कहीं ना कहीं संतुलित विकास करना और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक साझा मंच तैयार करना, देशों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना, व्यापार तथा निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, पर्यटन, ढांचे का सुविधाओं का विकास तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कई विकास कार्यक्रमों को तैयार करना, लाभ की दृष्टि से सहयोग के अन्य क्षेत्रों को चिन्हित करना, देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना, उदारीकरण की नीतियों को अपनाना, उन्हें लागू करना, और सदस्य देशों के व्यापारिक समूह, शैक्षणिक संस्थानों और तथा विद्वानों इन जनता के मध्य अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करना, यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, देशों की संस्थाओं के मध्य संपर्क, सहयोग के मध्य से क्षेत्र के मानव संसाधनों के विकास का प्रयास करना। इसके सिद्धांत को देख लेते हैं, तो सहमति पर आधारित आपसी लाभकारी सहयोग में विश्वास, सहयोग, संप्रभुता, देशों की समानता, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित होगा। संगठन की सदस्यता उन सभी देशों के लिए खुली होगी जो इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, जो खुले क्षेत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं। कहने के जो ये ग्रुप है इसके तहत सभी निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाएंगे। क्षेत्रीय विवादास्पद मुद्दों को कहने की जो इंडियन ओशन रीच की परिधि से बाहर रखा जाएगा। दूसरा, सहयोग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो संगठन के प्रमुख उद्देश्य विकासात्मक, तटस्थतापूर्ण और आम राय आधारित पंचशील सिद्धांत को अपनाते हुए क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में वृद्धि लाना है। तो इस तरह से हमको देखना है। अब इसमें कौन सी कंट्री है, तो उसको देख लेते एक बार। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मेंबरशिप, तो कहने के ये इंडियन ओशन हो गया, तो कहने के यहाँ से साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशियस, कॉमरोस, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, भारत, श्रीलंका, इधर से कहने के थाईलैंड हो गए, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इधर से ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमको देखना है कि कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं, तो इधर म्यांमार शामिल नहीं, इधर से पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो कहने के कितने, 22 मेंबर स्टेट। लेटेस्ट कौन सा है, तो कहने के सोमालिया ज्वाइंट इन 2014। तो इस तरह से हमको देखना है कि कौन से मेंबर है, कौन से इसमें शामिल नहीं है, तो और इनका क्या उद्देश्य है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे।